Welcome to webinar on key changes for businesses as per 39th GST Council Meeting. Recently, GST Council Meeting में काफी important decisions लिए गए हैं. India का economy अभी GDP growth rate down जा है. और additionally, कोरोना वायरस का भय है. तो वो केस में ये decisions जो है, वो किस तरीके से business को helpful रहेंगे, system को कैसे simplify करेंगे, वो हम समझते हैं. पहले मैं जाऊं उससे पहले मैं बोलूंगा सबको कि प्लीज कोरोना वायरस के कारण आप अपने जात को सेफ रखिए, घर से पॉसिबल है तो काम करें. आज मैं भी वेबिनार घर से ही कर रहा हूं, सो माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, स्टे होम, स्टे सेफ एंड सेव द कंट्री फ्रॉम कोरोना वायरस. एजेंडा जो है अपना ऑब्जेक्टिव ऐसा है टू अंडरस्टैंड कि जीएसटी रिटर्न्स में फाइलिंग में एक्सटेंशन क्या होगी 990 के अंदर, प्लस कौन से मेजर्स ट्रेड और बिजनेस वाले को फैसिलिटेशन उनको अच्छी तरीके से सिंप्लीफाई करें उस तरीके से लिए गए हैं, काफी इश्यूज है जिसपे सर्कुलर इश्यू होने वाला है, और फ्यू प्रोडक्ट्स जिसमें जीएसटी रेट चेंज हुए हैं उस बारे में हम बात करेंगे एक डिसीजन के अंदर. जीएसटी काउंसिल में जो डिसीजन होते हैं उसके बेसिस पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इश्यू करती है, एंड ये डिसीशंस जब से नोटिफिकेशन इश्यू हुआ है तब से इफेक्टिव है. जब तक वो नोटिफिकेशन इश्यू नहीं होते हैं तब तक वो इफेक्टिव नहीं है. पहले बात करते हैं हम जीएसटी रिटर्न फाइलिंग्स का और ई इनवॉइसिंग रिलेटेड. एग्जिस्टिंग रिटर्न्स जो जीएसटीआर 1-3 भी है वो कंटिन्यू हो गए टिल सितंबर 2020. जीएसटीआरटी 1 एनएक्स 1 एनएक्स 2 वो नए रिटर्न्स आए थे जो 1 अप्रैल 2020 से लागू होने वाले थे, अब उसको एक्सटेंशन किया गया है. एक्सटेंशन करके सितंबर 20 में होगा ऐसा बोला हुआ है, तो अभी तक आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है. जो हो रहा है, जो चल रहा है, वही सिस्टम रिटर्न फाइलने की आपकी कंटिन्यू रहेगी. ई इनवॉइसिंग एंड क्यूआर कोड ये बहुत बड़ा चेंज हुआ था. अब ई इनवॉइसिंग का जो वेबिनार हुआ था तब बात हुआ था अपना कि e-invoicing is not requiring you to generate invoice online. ये बोलता है आपको register करना है. तो e-invoicing में ऐसा है कि आपको आपकी invoices जो है वो online portal IRP invoice registration portal पे जाके register करनी होती है और वहाँ से QR code generate होता है. ये जो requirement है वो बड़े SSCs के लिए थी 1 अप्रैल से, उसको भी एक्सटेंड करके 1 अक्टूबर 2020 से करने का प्रावधान है. सर्टेन क्लासेस ऑफ ई इनवॉइसेस और क्यूआर कोड में किसी को एग्जेम्पशन दिया है, फॉर एग्जांपल बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, ऐसे जो क्लासेस है जिसके में ये करना बहुत डिफिकल्ट है उनके लिए एग्जेम्पशन का भी इसमें डिस्कशन किया गया है. जीएसटी ऑडिट एनुअल रिटर्न GSTR 9 और 9C उसको करने के लिए बहुत टाइम लग रहे थे, और 17-18 का भी बहुत टाइम के बाद मार्च 19 में क्लोज हुआ था, 18-19 का भी अभी तक काम चल रहा है. तो उसमें जिस तरीके से डेटा को रिकंसाइल करना होता है, आपको बुक्स के साथ मैच करके करना है, और आपने जो रिटर्न्स फाइल किए हैं उससे आपको रिकंसाइल करना है, तो एन्यूअल रिटर्न और 9C रिकंसाइल दोनों में अभी काफी तरीके से छोटे जो एसएससी है उनको तो रिलैक्सेशन मिले इस तरीके का उन्होंने सुझाव दिया है. फर्स्ट है कि अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो उस केस में आपके लिए ऑप्शन रहेगा 18-19 का रिकंसिडरेशन फाइल करने के लिए, और 18-19 का जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न एंड 9C रिकंसिडर स्टेटमेंट्स कई जो ड्यू डेट है उसको भी एक्सटेंड करके 30 जून 2020 तक लाने का बात हुआ है. मेरा ऐसा मानना है जिस तरीके से अभी कोरोना वायरस का इंपैक्ट चल रहा है पॉसिबली ये फर्दर एक्सटेंड हो जाए. और लास्ट में जो है कि जो एसएससी के टर्नओवर 2 करोड़ से कम है उनको 17-18 और 18-19 दोनों में 990 लेट फाइल करने के लिए कोई लेट फी लगे कि नहीं. तो ये सब जो चीज है उसका ऑब्जेक्टिव है कि आपको थोड़ा टाइम मिले,
रिलैक्सेशन मिले और आपको आप इजीली उसको सिंप्लीफाई करके काम को कंप्लाई कर लो. अगेन लेफ्ट हैंड साइड लिखा है डिसइंफेक्ट सरफेसेस अराउंड योर होम एंड वर्क. कोरोना वायरस का इंपैक्ट है, आप जहां पे काम कर रहे हो उसको आप यूज प्रॉपरली करो, डिसइंफेक्ट कर लो, वायरस में नहीं होना चाहिए, प्रॉपर आप सेफ होके काम करना. नेक्स्ट बात करते हैं कि जो बिजनेसेस को फैसिलिटेट करने के लिए जो मेथड्स रिकमेंड करने हैं वो क्या है. सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन कैश कंपोनेंट रेट्रोस्पेक्टिवली विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st जुलाई 2017. पहले से एक बहुत बड़ा जो चल रहा है संघर्ष वो है कि अगर मैंने लेट पे किया तो मुझे इंटरेस्ट किस पे पे करना है. मेरी लायबिलिटी थी, ग्रॉस लायबिलिटी 100 रुपया थी और मेरे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो 70 रुपीज का पड़ा हुआ है. तो एक्चुअली ऐसा है कि मुझे 30 रुपया गवर्नमेंट को पे करना है. लॉ में ऐसी जुगवाई थी और जिस तरीके से ड्राफ्ट किया उसमें ऐसा था कि आपको इंटरेस्ट पे करना है 100 रुपीज पे. 17 रुपया जो है मेरे पास जो बैलेंस पड़ा हुआ है उसके ऊपर मुझे भी क्रेडिट नहीं मिलके इंटरेस्ट पे करना ऐसा डाला हुआ था. तो उस पर काफी टाइम से डिसीजन चल रहे थे. मद्रास हाईकोर्ट ने एक डिसीजन में ऐसा लिखा था कि आपको इंटरेस्ट नेट लाइबिलिटी पे करना है. उसके बाद भी गवर्नमेंट ने काफी सर्कुलर्स काफी नोटिस इश्यू करे और अराउंड 47,000 करोड़ रुपीज का डिमांड इश्यू किया था. तो आज ये जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर अल्टीमेटली उन्होंने डिसीजन लिया है कि आपको इंटरेस्ट पे करना है नेट लायबिलिटी पे. ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये इफेक्टिव होगा फ्रॉम 1st जुलाई 2017 से. जब से जीएसटी आया वो डेट से एप्लीकेबल है. इश्यूज आएंगे जैसे कि अगर मैंने ऑलरेडी ग्रॉस पे किया तो क्या होगा, कैन आई गेट रिफंड, उसको कैसे किस तरीके से इसको हम पार पड़ेंगे. तो देर आर लॉट ऑफ इश्यूज आर देयर. सो ऐसा एस्टिमेशन है कि गवर्नमेंट शुड गिव मोर क्लैरिफिकेशन कि किस तरीके से जिसने ऑलरेडी उस पर कंप्लाई किया है, ऑलरेडी ज्यादा इंटरेस्ट पे किया है, उसको किस तरीके से रिफंड मिल पाएगा और मिलेगा कि नहीं मिलेगा. तो उस पर एक बेसिकली सर्कुलर या नोटिफिकेशन में क्लैरिटी हो जाए तो अच्छी बात है. दूसरा एक बड़ा चीज जो उन्होंने किया है नो योर सप्लायर. KYC हम सालों से सुनते आए हैं नो योर कस्टमर्स, अब ये जो नया कंसेप्ट है नो योर सप्लायर. ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आप जिससे बिजनेस कर रहे हो वो सप्लायर ने रिटर्न्स फाइल नहीं की है तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी. ओवर द पीरियड गवर्नमेंट का रवैया ऐसा है कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट कब मिलेगी, जब आपके सप्लायर ने रिटर्न्स फाइल करके गवर्नमेंट को वो पैसा दिया है तो वो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी. अगर सप्लायर ने रिटर्न फाइल नहीं किया है और सप्लायर ने लायबिलिटी पे नहीं किए तो आप सफर हो गए. ऐसा नहीं हो इसलिए गवर्नमेंट ने ये किया है कि आप आपके सप्लायर को जानो, बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए वेंडर्स सप्लायर्स के लिए कि वो कैसे कंप्लायंस करते हैं. इनिशियली जब जीएसटी लॉ आया था तब उसमें ये भी प्रावधान है कि रेटिंग सिस्टम होगी और इस तरीके से एडिशनली आपको बेसिक इंफॉर्मेशन सप्लायर की होनी चाहिए. आप सप्लायर से बात कर रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि सप्लायर सही होना चाहिए, वो कंप्लायंस प्रॉपरली करना चाहिए और तभी आपको क्रेडिट मिलेगी. इस तरीके का KYC के जैसा KYS नो सप्लायर की एक बात की है. इसके अंदर ई वॉलेट सिस्टम है, स्कीम जो नया है उसको भी डिफर करके 31 मार्च 2021 लाने का एक प्रावधान है. रिस्ट्रिक्शंस ऑन ITC इन केस ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशंस. गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा इश्यू जो पहले से है और अभी भी चालू है वो फेक इनवॉइस का है. काफी टाइम ऐसा हुआ है कि लोग नया रजिस्ट्रेशन करते हैं, नया रजिस्ट्रेशन करने के बाद इमीडिएटली बहुत बड़ा टर्नओवर कर लेते हैं, उसमें फेक इनवॉइस के बेसिस पे ITC क्लेम करते हैं और फिर भाग जाता है. तो वो सब नहीं होने के लिए इसलिए ऐसा एक नया आ सकता है जहां पे आपको अगर नया रजिस्ट्रेशन है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट में कहीं पे रजिस्ट्रेशन डाल देंगे कि बिजनेस अभी आप उसका चालू हुआ है तो उस तरीके की कैसे ITC मिलेगी वो मेजर्स इसमें डालेंगे ऐसा लग रहा है अपने को.
अदर मेजर्स जो है उसके पहले अगेन ईट वेल, स्टे हाइड्रेटेड, गेट प्लेंटी ऑफ स्लीप. अगर आपकी हेल्थ फिट है तो आप कोरोना को से दूर रहेंगे. तो प्लीज अपना खुद का, अपने घर वालों, फैमिली मेंबर्स का, सबका ध्यान रखें ये माहौल के अंदर. जो अदर मेजर्स जो है उसमें ऐसा है कि जीएसटीआर 1 फाइलिंग जो है उसको वेव हो जाएगी. जो टैक्स पेयर्स ने स्पेशल कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर पाए बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर CMP 02, उनके लिए भी एक मेजर्स है कि उनके लिए एग्जेम्पशन आ जाएगा. सीकिंग इंफॉर्मेशन रिटर्न फ्रॉम बैंक्स, बैंक से भी वो इंफॉर्मेशन मांगेंगे कि जिससे वो लोग रेगुलेट कर पाए और जो फेक हो रहा है, जिस तरह के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, वो ट्रांजेक्शन पे सस्पिशन ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए एक अलग से रिटर्न्स आएगा जो बैंक को फिलअप करना पड़ेगा. रिफंड क्लेम्स कैन नाउ बी क्लम्ब्ड अक्रॉस डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर सो एज टू फैसिलिटेट एक्सपोर्टर्स. अभी ऐसा है कि अगर आपको रिफंड क्लेम करना है एक्सपोर्ट में तो एक पीरियड एंड है मार्च, तो वो पीरियड का ही आपको रिफंड क्लेम कर पाओगे. बट अब ऐसा है कि आप मोर देन वन ईयर, जैसे जनवरी से दिसंबर जिसमें दो फाइनेंशियल ईयर आ गए, अप्रैल से मार्च वन ईयर एंड अप्रैल से दिसंबर, तो दोनों फाइनेंशियल ईयर क्लब करके भी आपको अगर रिफंड क्लेम करना है तो वो कर पाओगे. इस तरीके का भी इसमें एक उनका मेजर्स लाने वाले है. रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसल हो गया है और आपको वो रिवोक करना है तो 14 मार्च 2020 तक जितने भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुए हैं वो सब रजिस्ट्रेशन में यू हैव राइट के यू कैन अप्लाई फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन. काफी टाइम क्या होता है कि फिजिकली जब कोई आदमी आते हैं और उन्होंने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, या आपने फाइलिंग्स नहीं की जिस रिटर्न्स और आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, बट आपको धंधा करना है, आपको बिजनेस करना है, तो वो केस में ये एक बेसिक विंडो है 30 जून 2020 तक आप ये रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर पाओगे, तो उससे आपका जो बिजनेस है वो कंटिन्यूएशन में आ जाएगा. क्लीन एंड डिसइंफेक्ट हाई टच सरफेस डेली इन हाउसहोल्ड कमर्शियल एरियाज, टेबल्स, चेयर्स, हर एक को आप स्वच्छ रखो. उनकी स्वच्छता अपनी स्वच्छता है और अपनी स्वच्छता वो देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कोरोना से बचाने के लिए. काफी इश्यूज है जिसके ऊपर सर्कुलर्स इश्यू हो गए. जो इश्यूज जो आइडेंटिफाई किए हैं जीएसटी काउंसिल में वो चार इश्यूज. फर्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ आईटीसी इन केस ऑफ बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन. अगर बिजनेस में स्ट्रक्चरिंग रिस्ट्रक्चरिंग होता है तो उसमें आईटीसी कैसे अपॉइंट करेंगे दो वर्टिकल के अंदर, उसके ऊपर सिक्योर इश्यू हो सकता है. दूसरा ऐसा है कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अपील ट्रिब्यूनल. अभी तक अपील ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुई है तो कैसे अपील्स को बेसिकली हैंडल होगा, उसके बारे में भी एक रिक्वायरमेंट है. रिफंड्स इज द बिग थिंग फॉर बिजनेसेस, उसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन सर्कुलर से आने वाला है. एंड कॉर्पोरेट डेटर्स जो है, इंसॉल्वेंसी के अंदर क्या होता है कि कॉर्पोरेट डेटर्स जो है उनका पूरा कार्यभार वो IRF के पास आता है, तो उसे कंप्लायंस कैसे होगा, इसके पर भी क्लैरिफिकेशन सर्कुलर्स के बाद इश्यू होंगे. CGST रूल्स जो है उसमें अमेंडमेंट की बात है, और उसके पहले एक अगेन वन इंस्ट्रक्शन कोरोना, अवॉइड टचिंग आईज, नोज और माउथ. अपने हाथ जो है, हाथ में काफी टाइम पॉसिबल है इट मे बी इन्फेक्टेड विद वायरस. अगर अपने हम माउथ या नोज आईज पे टच करेंगे तो पॉसिबल है उससे अपने खुद इन्फेक्ट हो जाएंगे, तो ऐसा मत करो. हैंड वॉश करते रहो रेगुलरली. CGST रूल्स में अमेंडमेंट की जो पॉसिबल है उसमें ऐसा है, फर्स्ट थिंग जो कैपिटल गुड्स है, अगर वो कैपिटल गुड्स जो यूज हुए है पार्टली फॉर टैक्सेबल एंड पार्टली फॉर एग्जेम सप्लाई, तो जो रिवर्सल ऑफ ITC कैसे होगी, उसके बारे में क्लैरिफिकेशन और प्रोसीजर्स जो है वो आएंगे. दूसरा ऐसा है कि सेलिंग टू बी फिक्स फॉर वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट सप्लाई फॉर कैलकुलेशन ऑफ रिफंड ऑन जीरो रेटेड सप्लाई. जीरो रेटेड सप्लाई का जो रिफंड है उसमें कैलकुलेशन करने के लिए सेलिंग फिक्स करने की बात है यहां पे ऑन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट सप्लाई.
अगर एक्सेस पेमेंट हुआ है तो वो एक्सेस पेमेंट आपको कैश एक या क्रेडिट दोनों के लिए अलाउ होगा, उसके बारे में भी प्रोसीजर चेंज होगा। फेमा में रूल्स है कि इन केस ऑफ एक्सपोर्ट विद इन सर्टेन पीरियड यू टू रियलाइज द फंड विद इन द कंट्री, तो अगर वो नहीं हुआ है तो रिकवरी ऑफ रिफंड की प्रोसीजर भी जीएसटी रूल्स में आने वाली है। एंड आधार, हर जगह हर एक चीज को आधार से बेसिकली लिंक हो रहा है, तो आधार ऑथेंटिकेशन फॉर न्यू टैक्सपेयर्स भी प्रोसेस होगा। तो ये जो है पांच चीज वो जीएसटी रूल्स कमेंट करने के बाद उसमें ज्यादा चेंजेस आने वाला है। ये जो तीन आइटम्स हैं उसमें जीएसटी टैक्स रेट में चेंज हुआ है। फर्स्ट बात करते हैं मोबाइल फोन्स एंड स्पेसिफाइड पार्ट्स। इसमें इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर था जिसके कारण ऐसा होता था कि आउटपुट लायबिलिटी टैक्स रेट इज हायर देन माय इनपुट, और उल्टा इनपुट इन्वर्टेड में आउटपुट इज लोअर एंड इनपुट इज हायर। तो दैट्स व्हाई द रेट हैज बीन इंक्रीज ऑफ आउटपुट फ्रॉम 12% टू 18%। तो इनपुट जो मेरा था पहले ज्यादा था, आउटपुट का रेट कम था, इन्वर्टेड स्ट्रक्चर था, अब उसको नहीं हो इसके लिए उसका आउटपुट टैक्स रेट बढ़ा दिया है। हैंडमेड मैचेस, उसमें मिसमैच था मैचेस के अंदर, हैंडमेड और बाकी का अलग था, तो उसको साथ में लेके 12% कर दिया है। मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल सर्विसेज फॉर एयरक्राफ्ट, उसका रेट भी घटा के 18 से घटा के 5 का विथ फुल आईटीसी किया है। तो अब ये जो वेबिनार है उसमें अगर हम की समरी करें तो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी बिग चेंज फॉर ऑल ऑफ अस इज दैट अगर आपने लेट पे किया है तो इंटरेस्ट आपको नेट लायबिलिटी पे करना है, एंड रेट्रोस्पेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2017। ये बहुत बड़ा चेंज है, उससे काफी कुछ सेविंग होगा। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट एनुअल रिटर्न्स और 9C रिकंसिस्ट स्टेटमेंट दोनों में एक्सटेंशन है। ये एक्सटेंशन ज्यादा भी हो सकता है जिस तरीके से अभी माहौल है कोरोना का, और E-invoicing, QR कोड, नया रिटर्न सिस्टम हर एक को डिफर किया है। ये सब इतना सारा जो डिफर हो रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि जो IT सिस्टम है वो IT सिस्टम somehow इज नॉट एबल टू रियली सपोर्ट GST। तो इस ये जो टेक्नोलॉजिकल है वो बॉटलनेक्स कभी आ रहे हैं, उसको पहले ठीक करना पड़ेगा तभी ये नई चीज हो पाएगी। रजिस्ट्रेशन अगर आपका रिवोक हो गया है, कैंसलेशन हो गया है, तो उसको निकालने के लिए आप अप्लाई कर पाओगे 30 जून 2020 तक। एंड काफी नए चेंज है बिजनेस को सिंप्लीफाई करने के लिए ये काउंसिल के अंदर। ये काउंसिल के डिसीशन जो है उसका नोटिफिकेशन काफी आगे है और काफी नोटिफिकेशन इशू करने बाकी है। नोटिफिकेशन आने के बाद ही वो बनेगा रियल इफेक्टिव। राइट, विद दिस थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। आपके जो क्वेश्चन है कमेंट्स है प्लीज लिखिए, वी आर देयर टू सपोर्ट यू एंड रिजॉल्व क्वेश्चन। एट द एंड अगेन अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू के प्लीज स्टे सेफ स्टे स्ट्रॉन्ग। काफी इंफॉर्मेशन ऐसी है यहाँ पे अपने पास आ रही है अबाउट कोरोना, बट ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ऑफिशियल साइट पे जाके आप उसको चेक करोगे। इंडिया के लिए है MOHFW गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहां पे ले सकते हो, और वर्ल्ड में भी एक WHO की वेबसाइट से आप इंफॉर्मेशन ले पाओगे। मेहरबानी करके ये जो एरिया है वर्क फ्रॉम होम का, वहां पे अपने आप को अपने फैमिली मेंबर्स की आप सेफली आप काळजी लीजिए। एंड एनी इश्यूज ऑन GST प्लीज गेट इट अपडेटेड। अगर जो भी कमेंट है मुझे दीजिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।